60 साल बाद ब्रिटेन का शाही परिवार उस भारतीय राजकुमारी को सलामी दे रहा है जो हिटलर के खिलाफ ब्रिटेन की लड़ाई में एक अहम कड़ी साबित हुई। उनका नाम था नूर इनायत खान। टीपू सुल्तान की वंशज जिनका जन्म रूस में हुआ और परवरिश फ्रांस में, लेकिन जब हिटलर ने फासीवाद के कदम फ्रांस की ओर बढ़ाए तो नूर ने ब्रितानी जासूस बनकर हिटलर और उनकी सेना का सामना करने की ठान ली। नूर पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर थी जिन्हें फ्रांस में एक जासूस की तरह उतारा गया। एक इंडियन वुमन जो यूरोपियन थिएटर ऑफ वॉर में आके शी वेंट इनटू द फ्रंट लाइन, एकदम फ्रंट लाइन में गए, ये नहीं कि पीछे नर्सिंग कर रही थी या कुछ अदर फर्स्ट एड वर्क, और फिर ऐसे डेंजरस सीक्रेट मिशन में। लंदन यूनिवर्सिटी के बीचों बीच ये है गॉर्डन स्क्वायर गार्डन। यही वो जगह है जहाँ नूर अपनी किताबों के साथ फुर्सत के कुछ पल बिताने आया करती थी। यकीन नहीं होता कि साहित्य और संगीत में रुचि रखने वाली नूर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक जासूस की भूमिका निभाई। शायद ये बहादुरी उन्होंने विरासत में पाई थी, आखिर वे टीपू सुल्तान की वंशज जो थी। फ्रांस में उतारे जाने के कुछ ही दिनों बाद उनके सभी साथियों को मार दिया गया, लेकिन नूर 3 महीनों तक खतरों से खेलती रही और ब्रिटेन तक खुफिया जानकारी पहुंचाती रही। लंबी लुक्का छुपी के बाद जर्मन खुफिया विभाग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कई महीनों तक यातना दिए जाने के बाद नूर इनायत खान को गोली मार दी गई। ये हमारे लिए बहुत भावुक पल हैं। फ्रांस में नूर की याद में स्मारक बनाया गया है और अब ब्रिटेन में उन्हें सम्मानित किया जाना हमारे लिए फख्र की बात है। नूर का बलिदान इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया था, लेकिन गॉर्डन स्क्वायर गार्डन में मौजूद उनकी ये मूर्ति आने वाली पीढ़ियों को उनकी याद दिलाती रहेगी। शालू यादव, BBC लंदन।